हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज यहाँ बहुत स्नो हो रही है। यहाँ मार्च का महीना ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी भी इतना बड़ा स्नो स्टॉर्म चल रहा है। लेकिन यहाँ बर्फ में बहुत मज़ा आता है। यहाँ सब कुछ बर्फ से ढक गया है और एक बच्चे ने अपना खिलौना भी छोड़ दिया था। ये सूखे पौधे हैं और उन पे जमी स्नो कितनी प्यारी लगती है। सड़के पे जो बर्फ जम जाती है वो बहुत प्यारी लगती है और सुंदर। और आज तो यहाँ बहुत जोर की स्नो की आंधी चल रही है। यहाँ लोग बर्फ में चलने का भी मजा लेते हैं बहुत अच्छे से। मैं भी ऐसे बर्फ में घूमने निकलती हूँ कभी कभी और बर्फ से खेलती भी हूँ। चलिए हम लोग फुटबॉल ग्राउंड पे चलते हैं और उसकी हालत देखते हैं। ये देखिए, ये फुटबॉल ग्राउंड है। समर में यहाँ ग्रीन ग्रास थी और समर में सब लोग खेलते थे इस फुटबॉल ग्राउंड पे। मैं भी यहाँ आती थी दौड़ लगाने के लिए। ये हम लोग का यहाँ का जिम है। यहाँ पूरा स्नो पड़ गया है बेचारे में। यहाँ सब इक्विपमेंट में बर्फ जम गया है। समर में बड़े बच्चे और लोग यहाँ सब एक्सरसाइज करने आते थे। बर्फ में लेट के देखती हूँ कैसा लगता है। चलिए अब हम लोग फुटबॉल ग्राउंड से बाहर निकलते हैं और कुछ और देखते हैं। इतनी ज्यादा स्नो हो रही है कि गाड़ियां भी स्नो से ढक गई हैं। यहाँ विंटर एंड होने वाला है लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा ठंड है यहाँ। ब्रिज पे खड़े हैं। ये ब्रिज एक्चुअली मेरे घर के बहुत पास है और यहाँ नीचे से जो रोड है देखिए पूरी बर्फ से ढकी हुई है। बहुत मोटी लेयर है बर्फ की गाड़ी पे भी। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा मार्च एंड में इतनी सारी स्नो है और इतनी ठंड पड़ रही है यहाँ। अभी यहाँ शाम के 7 बज चुके हैं और अभी भी इतना उजाला है और ऐसा ही एक दो घंटे तक रहेगा और फिर थोड़ा सा डार्क होना शुरू होगा। अभी आज के लिए बहुत घूमना हो चुका है तो अभी मैं बहुत थक गई हूँ और अभी मैं घर जाके कुछ गर्मा गर्म खाऊंगी। फाइनली मैं घर आ गई। ये मेरी बालकनी है, ये पूरे बर्फ से ढक गई है। टेबल, चेयर, पॉट्स, जमीन भी बर्फ से ढक गया अच्छे से।